अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप 12वीं पास हों, और अगर आप पीजी डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन लेने का मन बना रहे हैं तो ग्रेजुएशन में 50% अंक जरूरी है। इस कोर्स के अच्छे इंस्टीट्यूट और एडमिशन प्रोसेस के लिए आप news24online.com पर जा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इसको 12th के बाद करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास एक कोर्स है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये कोर्स कोई भी जिसने 10+2 क्लियर किया है और उसके मिनिमम 45% मार्क्स हैं 12th क्लास में वो कर सकते हैं। दूसरा कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो थर्ड ईयर में अपियर कर रहे हैं वो भी इसमें प्रोविजनल बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। आज भारत में बैंकिंग सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है। अनुमान के मुताबिक 2040 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बैंकिंग हब बन जाएगा, यानी कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा नौकरियां बैंकिंग सेक्टर में ही होंगी। बैंक सेक्टर में वैकेंसीज का अंदाजा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि देश के दिग्गज निजी बैंक ICICI ने 2010-11 में 7,000 भर्तियां करने का ऐलान किया है। इसी तरह देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने साल 2010 में करीब 27,000 भर्तियां करने की योजना बनाई है। खबर यह भी है कि अगले साल तक तकरीबन 40,000 लोग अलग अलग बैंकों से रिटायर हो जाएंगे। दूसरी तरफ निजी बैंकों में भी इन तेजी से हो रहे विस्तार की वजह से इनमें करीब 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिलने की संभावना है, यानी कि बैंकिंग फील्ड में नौकरी तलाशने वालों के लिए इससे बेहतरीन मौका दोबारा नहीं आएगा। तो आप भी उठाइए बैंकिंग फील्ड में आए बूम का फायदा और पक्की कर लीजिए अपनी नौकरी। बैंकिंग फील्ड में नौकरी से जुड़ी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप news24online.com से जुड़ सकते हैं। रितेश श्रीवास्तव, दिल्ली, news24। अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस फील्ड में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो यूनियन बैंक में 1640 पदों के लिए आज ही अप्लाई कर दीजिए और शुरू कर दीजिए तैयारी, क्योंकि आने वाले समय में बैंकिंग फील्ड में है नौकरियां बेशुमार। सरकारी हो या प्राइवेट, हर बैंक दे रहा है नौकरियों का विज्ञापन। आइए देखते हैं बैंकिंग फील्ड में कौन कौन सी नौकरियां हैं और कैसे आपकी इस फील्ड में हो सकती है एंट्री। बैंकिंग सेक्टर में नौकरी तलाश रहे कैंडिडेट्स के लिए है शानदार मौका। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है 1640 क्लर्क कम कैशियर पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन। तो फिर देर किस बात की, फटाफट कर दीजिए आवेदन। कौन कर सकता है आवेदन? क्लर्क कम कैशियर के सभी 1640 पदों के लिए वो उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मिनिमम 60% अंकों के साथ 10वीं की परीक्षा पास की हो। सिलेक्शन के वक्त उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने कंप्यूटर और इंटरनेट में सर्टिफिकेट कोर्स किया हो। कैसे होगा सिलेक्शन? कैंडिडेट को सबसे पहले रिटन टेस्ट पास करना होगा। रिटन टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों का पर्सनल इंटरव्यू होगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा सिलेक्शन। उम्र सीमा, क्लर्क पोस्ट के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 नवंबर 2010 को 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। उम्र सीमा में छूट भारत सरकार के नियमानुसार दी जाएगी। कैसे करें आवेदन? आवेदन सिर्फ ऑनलाइन किया जा सकता है, जिसके लिए उम्मीदवार को ₹300 का आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। आवेदन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट news24online.com से पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 16 दिसंबर 2010 से पहले ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए देखें news24online.com।